इंसान जीता है, पैसे कमाता है, खाना खाता है और अंत में मर जाता है। जीता इसलिए है ताकि कमा सके, और कमाता इसलिए है ताकि खा सके, और खाता इसलिए है ताकि जिंदा रह सके, लेकिन फिर भी मर जाता है। अगर सिर्फ मरने के डर से खाते हो तो अभी मर जाओ, मेहनत बच जाएगी, क्योंकि मरना तो एक दिन सबको है ही। समाज के लिए जियो, जिंदगी का एक उद्देश्य बनाओ। गुलामी की जंजीर में जब मैं समाज को आजाद कराओ, अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण तो एक जानवर भी कर लेता है। मेरी नजर में इंसान वही है जो समाज की चिंता करे और समाज के लिए काम करे। यह वर्ड्स थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक दलित पिछड़े समाज को सुधारने में लगा दिया। जिस समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अपना खुद का घर बनाने का अधिकार नहीं था, जिनके गले में हांडी और पीठ पीछे झाड़ू बंधवाई जाती थी सिर्फ इसलिए ताकि वो दलित पिछड़े समाज के लोग जहां से भी गुजरे उस झाड़ू की मदद से उनके पैरों के निशान मिटते चले जाएं। अन्यथा जो अपने गले में हांडी और पीठ पीछे झाड़ू नहीं बांधता था, उसकी कड़ी से कड़ी पिटाई की जाती थी। उनको तालाब से पानी पीने का अधिकार नहीं था, दिन में अपने घरों से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, ऊंची जाति के लोगों के सामने सिर उठाकर चलने का अधिकार नहीं था। मतलब कि आप ये समझ लो, उस समय जिस तरह की जिंदगी एक दलित पिछड़ा समाज जीता था, उससे लाख गुना बेहतर जिंदगी उस समय के जंगली जानवर जी रहे थे। कम से कम जानवरों को खाने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी तो मिलता था, लेकिन दलितों को तो ये भी नसीब नहीं होता था, ना खाने को रोटी, ना पीने को पानी, ना रहने को घर, ना बदन पे कपड़ा। तो आप समझ सकते हो वो कैसा दौर रहा होगा जहां से ये दलित पिछड़ा समाज बाहर निकल कर आया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान नेता, दलित पिछड़े समाज के लिए भगवान से लाख गुना बड़े इंसान, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों को जीने के अधिकार दिलाने में लगा दिया। जानते हैं बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में कुछ खास बातें। बाबा साहेब अंबेडकर अर्थात एक ऐसे महान योद्धा जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से मनुवाद और ब्राह्मणवाद की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि जाति व्यवस्था के कारण पैदा हुई असमानता को खत्म करने में अपनी पूरी जी जान लगा दी। बाबा साहेब अंबेडकर अर्थात एक ऐसे खूंखार नेता जिसने मरते दम तक अपने आप को गांधी, नेहरू और तिलक जैसे नेताओं से कभी नीचा नहीं माना, बल्कि सारी जिंदगी अपना सर उठाकर जिए। बाबा साहेब अंबेडकर अर्थात एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष नेता जिसने कभी भी हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, पारसियों, जैनियों में कोई भेदभाव नहीं किया। बाबा साहेब अंबेडकर अर्थात एक ऐसे सिद्धि नेता जिन्होंने कट्टर हिंदुओं के लाख विरोध करने के बावजूद भारत को एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया जिसमें हर धर्म के लोगों को पूरी इज्जत के साथ जीने का हक हो। अगर भारत के सिर्फ 1 लाख लोग बाबा साहेब अंबेडकर की बताई हुई बातों को फॉलो करें और जाति व्यवस्था, पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ काम करें, तो भारत को महान शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा साहेब अंबेडकर एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष और जाति विहीन भारत का सपना देखते थे जिसमें भारत के सभी समुदाय के लोगों को पूरी तरह सुख, सम्मान और सुरक्षा के साथ जी सके, जिसमें धर्म एक व्यक्तिगत मामला हो और सार्वजनिक जीवन जीने में व्यक्ति पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष हो, जिसमें पाखंड और अंधविश्वास को खत्म किया जाए बल्कि विज्ञान, मानवता और लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, जिसमें जाति व्यवस्था और धार्मिक नफरत के लिए कोई जगह ना हो, कोई दंगा फसाद ना हो, कोई साजिश ना हो, कोई भी व्यक्ति गरीब और बेरोजगार ना हो, जिसमें लोग विवाह के लिए धर्म, जाति, गोत्र इत्यादि को महत्व ना दें बल्कि गुण, कर्म और शिक्षा को महत्व दिया जाए। इसके साथ ही साथ बाबा साहेब अंबेडकर भारत को एक बेहद आधुनिक विकसित देश बनाना चाहते थे ताकि भारत विश्व शांति में सबसे अच्छी भूमिका निभा सके। दोस्तों, वही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनकी वजह से आज हमारे पास पैसा, मकान, गाड़ी सब कुछ है। आने वाले 14 अप्रैल को इसी महानायक का बर्थडे है। मैं चाहता हूँ आने वाले 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाए। अंत में बस इतना कहूंगा, बाबा साहेब अंबेडकर के लिए कमेंट्स में जय भीम जरूर लिखें। मिलते हैं आसान है कि अगली वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।